नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को, और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। दोस्तों, आप खेती के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या फिर कम वक्त लेने वाला एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो आप मछली पालन के बारे में सोच सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मछली पालन आप कितनी लागत में शुरू करके कितनी कमाई इससे कर सकते हैं। दोस्तों, मछली पालन काफ़ी आसान है और यह आपका काफ़ी कम समय व देखभाल मांगता है। इसमें भी परंपरागत मछली पालन की बजाय अगर आप फिश नर्सरी का काम शुरू कर दें तो आप साल भर में 3 बार अच्छी कमाई कर सकते हैं। कमाई कितनी करेंगे ये आपके तालाब के साइज पर डिपेंड करता है। मछली को बड़ा करके बेचने की बजाय नर्सरी बनाकर बच्चे बेचने में ज़्यादा फायदा है। मछली के बच्चे 1 रुपये से 3 रुपये के बीच में बिकते हैं। इस बिजनेस में कई ऐसे फैक्टर हैं जो अगर आपके साथ हैं तो आपकी लागत कई गुना कम हो सकती है। फिर इसमें अन्य एग्री बिजनेस के मुकाबले समय कम देना होता है क्योंकि इसमें देखभाल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती, हाँ बस थोड़ी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। देश में मछली पालन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम आपको मछली पालन बिजनेस का पूरा गणित बताएंगे। राजस्थान के विजयनगर स्थित दीपक फिश एंड फिश सीड्स के ओनर राजेश कुमार अर्जिया के मुताबिक अगर आप 1 बीघा जमीन में तालाब बनाते हैं तो उसमें 3 लाख तक बच्चे, जिन्हें सीड्स भी कहते हैं, छोड़ सकते हैं। इन्हें आपको 2 से 3 महीने रखना होगा। इतने समय में इनका वजन 20 से लेकर 30 ग्राम हो जाएगा। इसमें से अगर आप 50% भी बच्चों के मरने की दर मान लेते हैं तो आपके पास बचे 1,50,000 बच्चे। वैसे 50% बच्चे नहीं मरते हैं। अगर कोई आपके पास आकर बच्चे खरीदता है तो 1 बच्चा 1 रुपये में आमतौर पर बिकता है। अगर आप मछली पालन करने वाले के तालाब तक मछलियां छोड़कर आते हैं तो 1 बच्चे की कीमत तकरीबन 3 रुपये होती है। इस हिसाब से देखें तो आप 3 महीने में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। आप 1 साल में 3 से 4 बार बच्चे बेच सकते हैं। इसमें से आपकी लागत 30% के आसपास रहेगी। हालांकि इसमें भी एक और फायदेमंद गणित है जो हम आपको आगे बताएंगे। आपको 3 लाख बीज करीब 15,000 रुपये में मिलेंगे। शुरू में आपको हर दिन केवल 1 से 2 किलो चारा डालना होता है। तीसरे महीने में आपको हर दिन करीब 10 किलो चारा डालना होता है। मछली पालन ऐसे लोगों के लिए सबसे मुफीद है जिनकी जमीन निचले या ढाल वाले इलाकों में है। इसके अलावा अगर आपकी जमीन किसी नहर या नदी के पास है तो ऐसे लोगों के लिए भी मछली पालन का बिजनेस अच्छा रहता है, क्योंकि साल में कम से कम 1 बार तो पानी आपको नेचुरल तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप गाँव के सरपंच से लिखित अनुमति लेकर गाँव के तालाब में मछली पालन करें। इस तरह के तालाबों में प्लैंकटन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मछलियों के खाने का भरपूर इंतजाम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास जमीन है और पानी का इंतजाम भी है तो आप मछली पालन से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप केवल 15,000 रुपये में 3 लाख बीज खरीद कर उन्हें 3 महीना बाद 2 से लेकर 3 लाख में आसानी से बेच सकते हैं। और दोस्तों, ये काम शुरू करने से पहले इसकी 15 दिन की छोटी सी ट्रेनिंग होती है, वो लेने के बाद ही काम शुरू करें जिससे नुकसान से बचा जा सकता है, या फिर पहले से मछली पालन कर रहे किसानों से पूरी जानकारी ले ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा ले ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।